Hello everyone. Today in this video, we are going to discuss regarding create and launch wizard in Udo 16. ये हमारी Udo 16 apps है और हम work करें अपने custom module पे. हमारा custom module का नाम है hospital. और इससे पहले video में हमने work किया था transient model in Udo 16. तो transient model हमने इसमें define किया. Transient model होता है हमारा temporary data. उसका data database में store नहीं होता है. तो उसके लिए हमने पहले एक wizard folder create किया था और एक models cancel appointment.py की एक file हमने create की थी और उसको init.py फाइल में इंपोर्ट किया था. एक init.py फाइल हमने क्रिएट की थी विजार्ड के अंदर ही और उसमें एक इंपोर्ट किया था कैंसिल अपॉइंटमेंट. ठीक है, और इसका जो हमने क्लास कैंसिल अपॉइंटमेंट विजार्ड, इस क्लास का नेम मतलब हमने रखा था मॉडल्स डॉट ट्रांसिएंट मॉडल, ये हमारा. और एक फील्ड ली थी हमने इसमें अपॉइंटमेंट आईडी और इसका नेम है कैंसिल डॉट अपॉइंटमेंट डॉट विजार्ड. ठीक है, और मेन init.py फाइल में जैसे हम मॉडल्स को इम्पोर्ट करते हैं ऐसे ही जो हमने विजार्ड फोल्डर क्रिएट किया इसको हम मेन init.py फाइल में यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं. ठीक है, और आज हम वर्क करें क्रिएट एंड लॉन्च विजार्ड इन उडो 16. तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे कैंसल अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट डॉट xml. ठीक है, एक xml फाइल क्रिएट करेंगे जो विजार्ड है उसे लॉन्च करने के लिए. क्रिएट या लॉन्च विजार्ड को क्रिएट करने के लिए हम एक XML फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो हमारी XML विजार्ड जो फोल्डर है उसके अंदर ही करना है. ठीक है, और जो पेशेंट डॉट टैग व्यू डॉट XML है इसको कॉपी करेंगे. कॉपी किया हमने, जो कैंसिल अपॉइंटमेंट डॉट XML है इसमें करेंगे पेस्ट और इसमें मेन्यू यहां से रिमूव करेंगे और सिर्फ हमने इसमें एक एक्शन और एक फॉर्म व्यू की नीड्स है. ठीक है, सर्च व्यू को भी हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे. सर्च को भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया. पहले हम एक्शन जो कैंसिल अपॉइंटमेंट डॉट विजार्ड है जो हमारा मॉडल्स है उसके लिए एक्शन यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं. तो कैंसिल अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट और यहाँ पे आएगा कैंसिल अपॉइंटमेंट 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 और यहाँ पे आएगा इसका मॉडल्स का नेम. तो मॉडल्स का नेम हमारा कैंसल डॉट अपॉइंटमेंट डॉट वीजा. इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे जाएंगे, इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट. इसको पेस्ट किया और यहाँ पे हमें सिर्फ डिफाइन करना है फॉर्म व्यू. ठीक है, तो इसको करेंगे, इसकी नीड्स हमें यहाँ पे है नहीं. ठीक है, ओके, और ये हमारा क्रिएट हो गया है एक एक्शन हमारा कैंसिल अपॉइंटमेंट डॉट एक्सएमएल के लिए. और एक ट्री व्यू है, ट्री व्यू को हम यहां से रिमूव करेंगे, इसकी कोई हमें नीड्स नहीं है. ठीक है, इसकी कोई हमें नीड्स नहीं है. एक फॉर्म व्यू में हम इसमें फॉर्म व्यू बनाएंगे हम कैंसिल अपॉइंटमेंट के लिए अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट जो हमारा मॉडल है इसके लिए कैंसिल अपॉइंटमेंट डॉट विजार्ड के लिए एक फॉर्म व्यू हम बनाएंगे. ठीक है, और यहाँ पे कैंसल डॉट अपॉइंटमेंट डॉट फॉर्म और यहां पे आएगा मॉडल्स का नेम. ठीक है, और शीट को यहां से रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई नीड्स नहीं हमें. शीट्स को यहां से रिमूव कर देते हैं, इसको भी कोई चैप्टर को भी यहां से रिमूव कर देते हैं, यहां पे फील्ड को भी रिमूव कर देते हैं, इस ग्रुप को भी यहां से रिमूव कर दें. फील्ड यहां पे एक लेंगे अपॉइंटमेंट आईडी जो हमारे मॉडल्स में है अपॉइंटमेंट आईडी, ये देखो इसको करेंगे कॉपी और यहां पे जाएंगे, इसको करेंगे यहां पे पेस्ट. ठीक है, अपॉइंटमेंट आईडी को हमने यहां पे पेस्ट कर दिया. ठीक है, ये हमने अभी इसमें कैंसिल अपॉइंटमेंट डॉट एक्सएमएल में विजार्ड को लॉन्च करने के लिए एक हमने फॉर्म व्यू क्रिएट किया और एक इसमें एक्शन क्रिएट किया. ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया है. ठीक है, अब हम इसमें एक मेन्यू क्रिएट करेंगे. मेन्यू डॉट एक्सएमएल में जाएंगे, मेन डॉट एक्सएमएल में जाएंगे जो हमारी मेन मेन्यू फाइल है हमारी, इसमें जाएंगे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे. पेस्ट करेंगे और इसमें एक आईडी इस मेन्यू का नेम रखेंगे कैंसिल अपॉइंटमेंट कैंसिल अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट और इसका नेम रखेंगे हम कैंसिल अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट. ठीक है, और इसका जो मेन्यू होगा हमारा हम इसको इसके नीचे डिफाइन करेंगे. किसके नीचे?
ये हमारा सेल्स हॉस्पिटल में जाएंगे और अपॉइंटमेंट्स है ना जो उसके नीचे इसका सेम मेन्यू यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कैंसिल अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट्स का ये इसका पेरेंट होगा ठीक है, और इसका चाइल्ड होगा ये कैंसिल अपॉइंटमेंट। तो इसका अपॉइंटमेंट्स की जो आईडी है, जो इसका पेरेंट है, इसकी आईडी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये पेरेंट है, इसका पेरेंट है मेन्यू कैंसिल अपॉइंटमेंट का ठीक है। और एक यहाँ पे एक्शन डिफाइन करेंगे, एक्शन। और एक्शन हमने इसमें डिफाइन किया है किस नाम से किया है, एक्शन कैंसिल अपॉइंटमेंट। इसको करेंगे कॉपी और मेन्यू प्रोडक्शन में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, इसको करेंगे सेव, और यहाँ पे भी करेंगे सेव। और जो मैनिफेस्ट डॉट पी फाइल में जाएंगे, विजार्ट को करेंगे इम्पोर्ट। तो विजार्ट एंड यहाँ पे बैकस्लैश कैंसिल अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट डॉट एक्सएमएल, इसको करिए हमने इम्पोर्ट। अब यहाँ पे टर्मिनल के थ्रू इसको करेंगे रन, इसको कर दिया हमने रन, कोई एरर नहीं हमारा। अब जाएंगे एप्स में, इसको अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड करते हैं, अभी भी कोई हमारा एरर नहीं है। अब जाएंगे हॉस्पिटल में और अपॉइंटमेंट के नीचे यहाँ पे हमने सब मेन्यू क्रिएट किया था, उसका नाम था हमारा कैंसिल अपॉइंटमेंट। अब जाएंगे अपॉइंटमेंट के नीचे, ये कैंसिल अपॉइंटमेंट, ये देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्म व्यू यहाँ पे एक यहाँ पे ओपन हो चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे क्रिएट क्या करना है, जैसे प्रोडक्ट्स में गया मैं और इस पे जाता हूँ मैं और प्रिंट लेबल्स पे करता हूँ, तो यहाँ पे नया पॉपअप यहाँ पे ओपन होता है ठीक है। तो इस तरह हमें इस तरह पॉपअप क्रिएट करने के लिए शो हो, तो जैसे कैंसिल अपॉइंटमेंट पे हम क्लिक करें तो हमारे ऐसे नया पॉपअप यहाँ पे ओपन हो। तो इसके लिए हम जाएंगे कैंसिल अपॉइंटमेंट में और यहाँ पे लिखेंगे फील्ड नेम, फील्ड नेम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट, टारगेट, और यहाँ पे लिखेंगे न्यू, इसको करेंगे सेव। और यहाँ पे जाएंगे एप्स में, इसको करेंगे अपग्रेड, अपग्रेड, इसको अपग्रेड किया हमने। अब जाएंगे हम हॉस्पिटल में अपने मॉड्यूल में, अब कैंसिल अपॉइंटमेंट में जाएंगे, देखो यहाँ पे नया पॉपअप यहाँ पे ओपन हो रहा है ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब इसमें हम यहाँ पे फूटर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो फूटर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हम सैंपल सर्च कर ले, फूटर ये मैंने पहले से ही सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे फूटर आ गया है। तो ये फूटर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, अप्लाई और कैंसिल, कॉपी करेंगे इसको। जैसे कि मैं इस पे जाता हूँ, अब ये सेव और डिस्कार्ड है, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फूटर ऐड करेंगे जिसका नाम होगा अप्लाई और कैंसिल ठीक है, सेव और डिस्कार्ड की जगह। तो इसको हम जाएंगे, कॉपी कर लिया हमने यहाँ से, और कैंसिल अपॉइंटमेंट डॉट एक्सएमएल में जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप के नीचे यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। यह हमारा फूटर, स्ट्रिंग अप्लाई, क्लास बीटीएन बीटीएन प्राइम, टाइम है ऑब्जेक्ट, और इसका नेम रखेंगे यहाँ पे हम एक्शन कैंसिल अपॉइंटमेंट, कैंसिल अंडरस्कोर अपॉइंटमेंट ठीक है। और ये हमारा क्या है, टाइप ऑब्जेक्ट है इसको, तो ऑब्जेक्ट को हमें डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा मॉडल से, ये हमारा मॉडल से रिलेटेड है ठीक है। जब भी टाइप ऑब्जेक्ट होता है कि हमारा जो पाइथन कोड है वो एग्जीक्यूट होता है, तो इसको, ये हमारा कैंसिल अपॉइंटमेंट है, इसका हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा अपने मॉडल्स में। पहले इसको करते हैं सेव, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे सेल, और इसको मैं सिंपली रिटर्न करूंगा, सिर्फ यहाँ पे रिटर्न, मैंने इसको यहाँ पे सिंपल रिटर्न करा दिया। ये देखो हमारा जो नेम है एक्शन कैंसिल अपॉइंटमेंट, इसको मैंने यहाँ पे फंक्शन एक डिफाइन किया, इसको मैंने सिंपली यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अब करेंगे इसको सेव इन टर्मिनल के थ्रू, इसको रन करेंगे, कोई एरर नहीं हमारा। अब जाएंगे एप्स में, डिस्कार्ड करते हैं इसको, एप्स में जाएंगे, अपग्रेड करेंगे, कोई एरर नहीं हमारा। अब जाएंगे हॉस्पिटल मॉड्यूल में, अपॉइंटमेंट पे कैंसिल अपॉइंटमेंट, देखो यहाँ पे अप्लाई और कैंसिल का यहाँ पे आ गया है, देखो हमने जो बटन यहाँ पे ऐड किए थे, ये देखो यहाँ पे अप्लाई और कैंसिल, ये देखो अप्लाई, स्ट्रिंग नेम अप्लाई और कैंसिल, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये आ गया है ठीक है, कैंसिल का भी आ गया है, अप्लाई का भी गया है, और कैंसिल का भी आ गया है। तो देखो अप्लाई, अप्लाई का ऑब्जेक्ट है कैंसिल डॉट अपॉइंटमेंट डॉट विजार्ड, जो हमारे मॉडल्स का नेम है, और बटन टाइप है ऑब्जेक्ट, और इसका मेथड है एक्शन कैंसिल अपॉइंटमेंट। देखो जो हमने मेथड इसमें डिफाइन किया है, देखो ये मेथड इसका एक्शन कैंसिल अपॉइंटमेंट, और इसका जो मॉडल है वो कैंसिल डॉट अपॉइंटमेंट डॉट विजार्ड है ठीक है। तो आज हमने किया क्रिएट एंड लॉन्च विजार्ड इन उड़ू 16 ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, ओके।